विगत दिनों बड़ेरा तिराहे के पास हुई 2,03,000 रुपए की लूट का खुलासा नरवर थाना प्रभारी आलोक भदौरिया ने किया है। जानकारी के अनुसार बलराम सिंह राजपूत निवासी सोनहर थाना अमोला द्वारा SBI बैंक नरवर से 2,03,000 रुपए बैग में लेकर अपने घर ग्राम सोनहर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से जा रहा था, तभी पारागढ़ तिराहा के पास सुनसान रास्ते पर दो अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्तियों द्वारा बलराम राजपूत का बैग मई रुपए के लूट कर करेरा तरफ भाग गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाना नरवर पर की गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह दोरिया के द्वारा थाना नरवर क्षेत्र में हुई उक्त लूट की घटना को शीघ्र निराकरण करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त कार्यवाही के बाद पीड़ित बलराम सिंह राजपूत ने पुलिस को धन्यवाद दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? बलराम सिंह राजपूत। कहाँ रहते हो? ग्राम सोनर में। थाना? थाना अमोला। अच्छा, ये आपके साथ अभी लूट हुई थी ना? हाँ। क्या पूरी घटना हुई थी? सर कहा था मैं नरवर बैंक से पैसे निकाल के और अपना बैग में रख के स्कूटी से मैं निकला तो रास्ते में नरवर करार रोड पे पारगढ़ तिराहे के पास में दो लोग आए, अज्ञात लोग, और एक हेलमेट लगाया था बाइक से, उनने मेरी स्कूटी में कट मारी, इलेक्ट्रिकल स्कूटी है, मैं गिरते गिरते बचा और उनने मेरा बैग छीन के और फरार हो गए। उसके बाद में मैंने कोशिश करी, फ़ोन लगाया अपने भाई को, अपने GI को, और उसके बाद मैं कितना रुपए लेकर गए थे आप? सर मैं गया था 2,03,000 रुपए। कहाँ से लेकर गए थे रुपए? SBI मेन बाजार नरवर। ये घटना किस जगह घटी थी? घटना सर यहाँ की है, जी दानामेंट के जो गोदाम है वहाँ की है। अच्छा, आज पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय जी और पूरा नरवर थाना का स्टाफ। पुलिस कार्यप्रणाली से खुश हैं आप? जी सर, बिल्कुल खुश हैं सर, अच्छा किया है और बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए। आज जो आपने लूट की घटना को ट्रेस किया सर, क्या पूरी ये घटना कहाँ पर हुई थी? ये जनाब 22/6 को SBI बैंक नरवर से बलराम राजपूत हैं, तो बलराम राजपूत 2,03,000 रुपये निकाल के अपने घर वापस सोनार जा रहे थे। रास्ते में पारागढ़ तिराहे के पास दो अज्ञात बालकों ने मोटरसाइकिल से उसको कट मारा और उसका बैग छुड़ा के मैं रुपयों के भाग गया, जिसकी रिपोर्ट थाना नरवर में हुई थी। संदिग्ध घटना बहुत गंभीर थी। पुलिस अधीक्षक माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था आरोपियों की गिरफ्तारी पर। इसमें आज हमारी पुलिस टीम ने बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए दतिया के ग्राम प्रकाश नगर से दो बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है, उनसे घटना में गई संपूर्ण मशहूर का भी बरामद किया है और घटना में फिर मोटरसाइकिल को भी जब्त करके लाए, उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। घटना में सर कितने आरोपी शामिल थे? घटना में अभी दो आरोपी सामने आए, दो ही आरोपियों के विरुद्ध एफ आई आर। इन पर कौन कौन से धारा में मुकदमा किए? 92/11/13 MPDP के तहत प्रकरण कायम था। आज जो लोग पैसे लेकर जाते हैं बैंक से, उनके लिए क्या समझाइश रही आपकी? समझाइश यही है कि जब भी कोई बड़ी रकम लेके जाए तो थोड़ा पुलिस को सूचना करें, बैंक मैनेजर साहब के माध्यम से कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, तो उनकी विशेष सुरक्षा की जाए। और ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जो अगर आसपास कोई घूम रहे हैं उन पे भी वो सतर्क रहें, निगाह रखें, तो ये ऐसी घटनाएं से बचा जा सकता है। साथ ही अगर अधिक बड़ी रकम लेके जा रहे हैं तो एक से अधिक लोग साथ में रहें, जिससे कि थोड़ा सुरक्षा रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।